समय अधिक से अधिक कुछ अच्छे नियम, जैसे कई बार वैष्णव आते हैं पूछते हैं जज मैं ये नियम लूं ये नियम लूं। अभी 4-5 दिन पहले ही अहमदाबाद से हम निकल रहे थे और एक वैष्णव आए, दादाजी को विनती की कि जे आप आज्ञा दो ये अधिक मास में नियम लेना है, एक समय का भोजन करूं, एक ही समय खाऊं। और फिर दादाजी ने बड़े निखालस प्रसन्नता से बड़ी सुंदर आज्ञा की, मैं भी वहीं पे उपस्थित था, कि भैया ये अधिक मास में नियम ले रहे हो तो नियम ऐसो लो कि जामे ठाकुर जी को सुख पहुंचे। नियम ऐसो लेनो चाहिए, तू दूधघर धरा रहो है, तू अनसखड़ी धरा रहो है, तो पूरे अधिक मास में ये नियम ले कि ठाकुर जी को सखड़ी धरा, अधिक से अधिक ठाकुर जी में सामग्री पदार्थों का विनियोग हो, ऐसा नियम लो। मैं ये नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये पुष्टि की बात नहीं है, ये मर्यादा भाव है। पुष्टि मार्ग में तो अधिक मास में अधिक से अधिक ठाकुर जी को सामग्री अरोगाओ और चकाचक प्रसाद लो। और यहां तो हम तो ब्रज में हैं, तो फिर तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। तो यहां पे भी यही व्यवस्था की गई है कि भाई यहां पे जितने भी स्वरूप, लगभग 65-70 स्वरूप यहां पे विराज रहे हैं, वैष्णव पधरा के आए हैं, तो यही आज्ञा कि भाई सभी के ठाकुर जी सखड़ी आरोग्य, इसी एक सुंदर व्यवस्था की गई है कि अधिक से अधिक हम ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएं। नियम उसका होना चाहिए, मैं ये करूं ये नियम नहीं होता है। तो नियम लेना हो तो हाँ वाणी पे संयम रखें जितना हो सके, अन्यथा वचन न बोलें, क्रोध न करें, धैर्य बना के रखें। तो नियम तो ये होने चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने ठाकुर जी के लिए, अपने भाव के लिए जो ठाकुर जी के प्रति है, तो कुछ ऐसे नियम लें भी, रात को भी बैठे हैं तो चलो सत्संग करें, कमरे में बैठे हैं तो हर एक जन अपने रूम में बैठ के सत्संग करे, वार्ता जी का वांचन करे, शिक्षा पत्र पढ़े। हाँ, तो इसीलिए तो हम ब्रज में आए हैं, आनंद करें। व्यस्त रहें और मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। तो आपकी व्यस्तता के लिए तो हमने आयोजन बनाया है, सुबह से 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक या 11 बजे तक, या आपकी व्यस्तता के लिए हमने बनाया हुआ है, सुबह इतने बजे उठना है, आपको पूरी आइटिनरी नियम दिए हुए हैं। कई बार वो लेते हैं पेपर ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन ध्यान से उसको पढ़ो, उस अनुरूप चलो, इतने बजे का है तो इतने बजे पहुंचना है, ये करना है, तो समय को साधें। आप उसमें देखोगे सुबह से रात तक बिल्कुल अवकाश ही नहीं है, बहुत ही व्यस्तता है। तो व्यस्त रहें और मस्त रहें। मस्त आपको और कोई नहीं कर सकता है, मस्त तो हम अपने आप ही हो सकते हैं, अपने स्वभाव से हो सकते हैं। ये भागवत कथा सत्संग के माध्यम से वह मस्ती हमारे अंदर आ सकती है, पर अस्त व्यस्त ना रहें। इतने बजे उठ रहे हैं, इतने बजे जा रहे हैं, वो बस खड़ी है या वो गाड़ी खड़ी है, ऐसे नहीं। अच्छे विद्यार्थी की भांति, अच्छे वैष्णव की भांति अपना व्यवहार रखें। यहां पे हम ब्रज भूमि में आए हैं और ये महोत्सव में तो 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 बातों का स्मरण बना के रखना है। एक, मैं कौन हूं,
दूसरा मैं कहाँ हूँ, और तीसरा मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करने आया हूँ। समझ में आई बात? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ से मेरा मतलब अपने नाम को याद रखना नहीं है कि मैं दर्शन हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, नहीं, मैं वैष्णव हूँ ये बात का स्मरण बना के रखना, और वैष्णव के अनुरूप अपना व्यवहार हो तो ये स्मरण होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे वैष्णव आए हुए हैं सबके प्रति, एक दूसरों के प्रति वैष्णवता पूर्वक, और वैष्णवता की सीधी बात करें तो उसका संबंध है दैन्यता से, दीनता। जिसके हृदय में दैन्य भाव होता है, दीनता होती है, वही सच्चा वैष्णव है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ, एक बात का स्मरण बना के रखो, मैं कौन, तो कि मैं वैष्णव हूँ। दूसरी बात कि मैं कहाँ हूँ, कि अपने घर में नहीं हूँ, ब्रजभूमि में हूँ। और कहा जाता है कि भाई अपने घर शहर अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पे किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति, वह वज्रलेप के समान हो जाता है। और ये ब्रजभूमि केवल तीर्थ नहीं है, ये तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। वह प्रयागराज भगवान को जाके कहने लगा, प्रभु आपने मुझे सबका प्रमुख तो बना दिया, लेकिन ये जो ब्रजभूमि है वो कर नहीं चुका था। भगवान कहते हैं, भैया मैंने तुझे सब तीर्थों का राजा बनाया है, और ब्रज तो मेरा घर है, उसका राजा तो मैं हूं। तो ध्यान रखो, हम कहां हैं, ये ब्रजभूमि, ये गोपी जनों की भूमि, यह प्रेम की भूमि। तो हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से प्रेम निस्रुत हो, कठोरता न आए, इस बात का विवेक बना के रखें। कभी कभार प्रकृति वश आ जाता है क्रोध, तो वापस स्मरण करें इस बात को कि पहले दिन क्या कहा था कि मैं कहां हूं और मैं कौन हूं। तुरंत उसका स्मरण रखो, अपने मन को समझा लो, शांत हो जाओ। और तीसरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, किस वजह से मैं यहां पे आया हुआ हूं, क्यों आए हैं हम यहां पे। यह कोई हम टूर या पैकेज में नहीं आए हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये आप लोगों की व्यवस्था के लिए ये सब किया गया है, यहाँ जाना है, ये करना है, पर ये कोई टूर पैकेज नहीं है, यह यात्रा है। मैं यात्रा करने यहाँ पे आया हूँ, ब्रजवास करने आया हूँ, अपने भावों को, अपनी भक्ति को प्रवृद्ध करने आया हूँ। और जो यहां पे भी आके वही जो तू मैं करें या वही दोष देखना करेंगे, तो फिर तो वज्रलेपो भविष्यति, फिर वह किए हुए दोष कभी नष्ट नहीं हो पाते। तो यहां पे हम जितने भी उपस्थित हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से, कहीं कुछ रंजिशें हों तो उसको हटा करके प्रेम पूर्वक, वैष्णवता पूर्वक आपस में व्यवहार रखें,
ऐसे मीठे मीठे संबंध बना के यहाँ से हम जाएं, फिर वह गुजराती वैष्णव हो या पंजाबी हो या हिंदी हो, कहीं का भी हो, ऐसे मधुर संबंध बनाने के लिए हम यहां पे आए हुए हैं। तो तीन बात से प्रारंभ हुआ। एक, मैं कौन हूं? तो मैं वैष्णव हूं। कहां हूं उसका स्मरण बना के रखें, और क्या कर रहा हूं, किस लिए आया हूं, जो इन तीनों का स्मरण रहेगा तो मेरा विश्वास है कि ये जो 7-8 दिन हम अपने पास हैं, एक अलग आनंद का अनुभव करते हुए, एक अविस्मरणीय स्मरणों के साथ आप यहां से जाएंगे। तो ये अधिक मास, और कहा जाता है अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक पुरुषोत्तम मास में हमारे किए हुए छोटे से छोटा सत्कर्म, वैसे देखा जाए तो कोई भी सत्कर्म छोटा तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सेवा भी कई गुना उसका फल उसको देती है, कई गुना पुण्यों का संचय वो जीव करता है, क्योंकि इस मास को भगवान ने स्वीकारा है, भगवान ने वरदान दिया है। क्योंकि हर एक मास, हर एक नक्षत्र का एक देव होता है, एक देव होते हैं, तो ये जो अधिक मास जो निकला, तिथि अनुसार जो 10 दिन साल के अधिक निकलते हैं, तो 10 दूसरे साल के 10, और तीसरे वर्ष में हर 3 वर्ष में ये अधिक पुरुषोत्तम मास आता है, तो ये जो 30 दिन सभी लोगों ने इसका तिरस्कार किया, वैदिक कर्मों को करने के लिए इसको मल मास बताया कि इसमें वैदिक अनुष्ठान नहीं हो सकते, सबने इसका तिरस्कार किया, मल मास कह के उससे घृणा की। तो इसकी कथा आती है कि भाई यही मास विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान के पास, कहने लगा, रोने लगा, मैं क्या करूं। फिर विष्णु भगवान को दया आई, वो उनको गौलोक धाम में ले गए भगवान श्री कृष्ण के पास। और भगवान श्री कृष्ण ने वह मास की पीड़ा को श्रवण किया और कहने लगे कि विष्णु आप ही इसको लेके आए हो, तो फिर मैं इसका तिरस्कार तो कर ही नहीं सकता, चाहे भले इसका सबने तिरस्कार किया हो, मैं इसका देव बनता हूं, इसलिए इस मास का नाम अब पुरुषोत्तम मास होगा। यानी पहले इसको मलमास के तिरस्कृत किया जाता, लेकिन भगवान ने इस मास को स्वीकारा, इसलिए यह पुरुषोत्तम मास हुआ, और वरदान दिया कि इस मास में जो भी जीव जीवात्मा निष्ठा भाव पूर्वक सत्कर्म करेगा, कई गुना फल उसको प्राप्त होगा। यह भगवान ने इसको वचन दिया, खुद इसके इष्ट बने, तो इसलिए हम इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, भगवान ने अपना नाम दिया इसको। तो इसलिए यहां पे ये जो 8-9 दिनों की यात्रा में ये जो हम ब्रजवास कर रहे हैं, तो निष्ठा भाव से आप करेंगे तो अनंत गुना फल। और वैसे देखा जाए तो फल क्या है,
पुष्टि मार्गीय जीव वैष्णव क्या फल की अपेक्षा रखता है? सेवा में उसका चित्त लगे, भगवत सुख का वह विचार कर पाए, भावों की वृद्धि हो, तो यह तो पुष्टि मार्गीय फल है। वैसे फल की दृष्टि से देखे जाए तो तीन प्रकार से फल उस जीव को मिलते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक। तो आदि भौतिक दृष्टि से देखें तो इस मार्ग इस अधिक मास में किया हुआ हमारा सत्कर्म, हमारा कुछ थोड़ा सा भी विनियोग, अधिक गुना संपत्ति उस जीव को देता है। ये भौतिक भाव है। आध्यात्मिक भाव से इस मास में किए हुए पुण्य से मोक्ष मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन आधिदैविक भाव आधिदैविक फल यह है कि उसको ठाकुर जी में भावों की वृद्धि होती है, उसमें दृढ़ता आती है, निष्ठा बढ़ती है। तो तीनों प्रकार के फलों की प्राप्ति इस पुरुषोत्तम मास में किए हुए सत्कर्म के द्वारा होती है। और सत्कर्म शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो होता है उसे कर्म नहीं कहा जाता। आध्यात्म के क्षेत्र से आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म उसे ही कहा जाता है कि जिस कर्म के साथ आपका मन जुड़ा हो, मनसा युक्त, मनसा से की हुई क्रिया उसे कर्म कहा जाता है। और जिस क्रिया में से मन निकल जाता है तो वो कर्म नहीं है। जैसे आप लोग यहां पे बैठे, शरीर यहां पे हैं, आपके कान यहां पे हैं, आपकी आंखें यहां पे हैं, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन मन आपका यहां पे नहीं है, कथा में नहीं है। अरे बड़ी गर्मी हो रही है, तो फिर खत्म हो गई बात, फिर वो कर्म नहीं हुआ, वो सत्कर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और है। भले आपकी आंखें यहां देख रही हैं, भले मुंह भी हिलाते जा रहे हैं, लेकिन जो मन नहीं है, तल्लीनता नहीं है कथा में, तो फिर उसका कोई फल ही नहीं मिलता। क्योंकि सत्कर्म हुआ ही नहीं, क्योंकि कर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि मन ही नहीं है आपका। तो जो मन लगा हो, मन से साथ मनसा से किए हुए कर्म, चाहे अच्छे भाव से, राग से या द्वेष से, मनसा युक्त जो क्रिया है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे कि भगवत गीता में हम देखें, अर्जुन को आज्ञा की भगवान ने, अर्जुन युद्ध कर, वो खड़ा हो गया धनुष बाण लेकर के, लेकिन देखने लगा तो उनके गुरुजन बैठे हुए हैं, भाई हैं, पुत्र आदि हैं। अरे प्रभु, आप कह रहे हो युद्ध कर, इनको मैं कैसे मारूं? ये तो मेरे बड़े बुजुर्ग परिवार वाले हैं, इनको मैं नहीं मार सकता, और इनको मैं मारूंगा तो फिर कौन सी नरक में मुझे जाना पड़ेगा, नरक की यातना से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और फिर हम जानते हैं भगवान ने बड़ा गीता के माध्यम से उनके संशयों को दूर किया और कहा, अर्जुन युद्ध च युद्ध कर, पर मन मेरे में लगा, और युद्ध कर। और फिर भगवान में उसने मन लगाया, युद्ध किया, हजारों लोगों को मारा, लाखों लोगों को मारा,
अब लौकिक दृष्टि से देखने जाएं तो सबसे बड़ी सजा किसकी होती है कि कोई हत्या करे, किसी को मार दे तो उसको सबसे बड़ा दंड मिलता है, दफा 302। तो सोचो कि यह अर्जुन ने कितने लोगों को मारा, लाखों लोगों को मारा, एक तीर छोड़े और हजार लोग मर जाएं, ऐसे ऐसे मंत्र विद्या वाले तीर हुआ करते थे, ऐसी ऐसी विद्याएं होती थी उस समय। लेकिन देखा जाए भगवान की दृष्टि से तो भैया इसने कोई अधम कार्य नहीं किया, इसने कोई दुष्कर्म नहीं किया, इसने किसी को मारा ही नहीं है। अरे हम देख रहे हैं लाखों लोगों को मारा कि नहीं, इसने मारा ही नहीं है। क्यों, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसका मन मेरे में था, और मन मेरे में था तो इसी ने किसको मारा ही नहीं है। इसने कर्म ही नहीं किया तो फिर मारने की बात कहां से आ गई? जब मन उसमें हो तो वो कर्म हुआ तो उसने मारा, पर मन उसका उस क्रिया में था ही नहीं तो फिर कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो फिर उसको कोई सजा नहीं है। बाइज्जत बड़ी। तो जहां मन हो, मनशा युक्त क्रिया उसे कर्म कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर यह कर्म अकर्म का उपदेश भगवान ने दिया है। जब किए हुए कर्म में से मन निकल जाए तो फिर वो कर्म नहीं कहलाता, वह अकर्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, मूल बात पे आते हुए, कि हम यहां पे बैठे हैं, बड़ा दुर्लभ एक अवसर है, अधिक पुरुषोत्तम मास है, ब्रजवास है, और श्रीमद् भागवत जिससे उत्तम विषय कथा का और कोई हो ही नहीं सकता, तो ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हम चुने हुए वैष्णवों को प्राप्त हुआ है। बाकी जब ये ब्रजरसानंद महोत्सव की हमने कुछ रूपरेखा बनाई थी तो कुछ सोचा था कि 200-250 वैष्णव को लेके ब्रज में जाएंगे, ऐसा मन था, ऐसा कुछ योजना बनाई थी। लेकिन फिर एक के बाद ऐसे वैष्णव जुड़ते गए, जैसे हमें भी आना है, और वो कहने वाले इतने हमारे आत्मीय निकट के थे कि उनको मना भी नहीं कर सके। तो फिर चलो भैया और 10 रूम बुक करवा लेते हैं। पहले तो ये दो ही धर्मशाला हमने बुक करवाई थी। आज प्रारंभ में मैं आपको बताऊं, एक ये खंडेलवाल जिसमें हम बैठे हुए सौराष्ट्र, यही व्यवस्था। लेकिन फिर और वैष्णव का आग्रह हुआ, 10-15 वैष्णव का, हमें भी आना है। फिर आसपास चेक किया, चलो मधुबन में मिल रहे हैं, सोचा कि भाई 5 के नहीं 10 ही कमरे बुक करवा लें, शायद कोई और